आज की वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं अल हिलाल वर्सेस इंटर मियामी के बारे में। जहां भी मैं ये ऐसा क्यों कहने वाला हूं कि अल हिलाल को थोड़ा सा रॉब कर लिया गया, क्या डिसीजंस थे वार के जिनके ऊपर मेरा सवाल है, आज की वीडियो में बात करूंगा। मोर ओवर वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब रैशफोर्ड को दिया गया है पनिशमेंट बाय एरिक टेन हाग। तो कल की वीडियो में हमने जो सिचुएशन के बारे में बात किया था जो हो गई थी एरिक टेन हाग और रैशफोर्ड के बीच में, तो उसका आज जजमेंट और कंक्लूजन आया, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। मोर ओवर बार्सिलोना की बेइज्जती हो रही है भाई, टेटा और बायन का क्या कहना था रिगार्डिंग शावी का फ्यूचर मैनेजरियलशिप, मतलब शावी के बाद कौन मैनेज करेगा, बार्सिलोना के मैनेजरियलशिप के बारे में स्टेटमेंट्स निकाल दिए हैं भाई इन लोग, तो कैसे बार्सिलोना की बेइज्जती हो रही है आज की वीडियो में वो भी। है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल वीडियोज लेकर के आते हैं। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं इंटर मियामी वर्सेस अल हिलाल के बारे में। सो दोस्तों, इंटर मियामी वर्सेस अल हिलाल का गेम जब गेम चालू होने वाला था, हमने लाइव स्ट्रीम वॉच अलॉन्ग भी किया इस गेम का, अगर आपको देखना है कुछ मिनट्स एंड मूवमेंट्स तो आप जा करके देख सकते हैं। बाकी हम अल नसर वर्सेस इंटर मियामी का भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो उसमें भी ज्वाइन करिएगा, हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों आप लोगों के साथ लाइव मैच देखते हुए इंटरेक्ट करने का। एनीवेज, गेम के बारे में बात कर ले तो लाइव में यार अपन बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में कि लाइनअप देख करके तो सिचुएशन बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि अल हिलाल जो है वो डोमिनेट करेगी गेम को और इंटर मियामी हारने वाली इस गेम को, लाइक ये लाइनअप देख करके समझ में आ गया था, क्योंकि अल हिलाल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम भी नहीं मैं कहूँ, मैं बोलूँ द बेस्ट टीम इन सऊदी है, और इंटर मियामी जो है वो वर्स्ट टीम इन MLS थी। नो मैटर वॉट दे हैड लुइस सुआरेस मेसी और एसेट्रा एसेट्रा, बट भाई अल हिलाल की क्वालिटी एक अलग ही लेवल की नज़र आ रही थी ऑन पेपर एज वेल। गेम चालू होता है एंड एग्जैक्टली जैसी गेम चालू हुआ आई सॉ एक ऐसी चीज़ जिसके चलते बार्सिलोना फैंस वर कंप्लेनिंग बैक, जब ये बार्सिलोना में भी होता था कि लुइस सुआरेस और लियो मेसी बिल्कुल भी जो है वो प्रेस नहीं करते हैं। अब जब ये दोनों प्रेस नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली अपोनेंट जो है वो ईजिली अटैक करने में सक्षम रहते हैं, और वो अपन को देखने को मिला थ्रू आउट दी गेम। लुइस सुआरेस और लियो मेसी की तरफ से बिल्कुल ही प्रेसिंग नहीं हो रही थी और अल हिलाल जो है वो चढ़ के बैठी हुई थी इंटर मियामी के ऊपर, जिसके चलते तुरंत जो है वो उन्होंने 2 गोल मार दिया। जब स्कोर लाइन 2-0 हो गया था तो मैं ये सोच लिया था कि भाई ये गेम में एक ह्यूमिलेटिंग जो है वो डिफीट इंटर मियामी खाने वाली है, लेकिन फॉर्चुनेटली आप कह सकते हो आफ्टर मिसिंग मैनी चांसेस भाई वापस से लुइस सुआरेस इतने सारे चांसेस मिस किया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अल हिलाल जब भी बॉल डिस्पोजेस कर रहे थे और बॉल मेसी के पास जा रहा था, मेसी जिस हिसाब से जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे प्ले को, इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल टू सी भाई मेसी परफॉर्मिंग अगेंस्ट ये अल हिलाल के जो है वो ब्रिलियंट डिफेंस, जो वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट टीम है सऊदी अरेबिया में। मेसी की तरफ से जो थ्रू पासिस निकले, मेसी की तरफ से जो ड्रिबलिंग हुई है, एक ड्रिबल भाई जो इसमें वो लेजिट इतने सारे प्लेयर्स के बीच से निकल करके गया, इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट। बट वही बात थी, उसके थ्रू प्रोसेस का जो है वो ऐसा कोई फिनिशिंग रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था बिकॉज लुइस सुआरेस मिस्ड कपल ऑफ चांसेस। वी ऑल्सो सो सर्गियो बुस्केट्स मिसिंग अ प्रॉपर चांस भाई। फिर एक मोमेंट आया जहां पे क्लियर जो है वो भाई पेनाल्टी मिली, मिलनी थी अल हिलाल को, क्लियर फाउल था अल हिलाल के ऊपर, बट सरप्राइजिंगली जो रेफरी थी वुमन उसने मना कर दिया और वो वार में भी नहीं गई। तो आई थॉट कि शायद फ्रेंडली चल रहा है तो फ्रेंडली में इन लोग वार वगैरह नहीं लेकर के आए होंगे, बट देन अपन को एक गोल लुइस सुआरेस का देखने को मिल गया और वो गोल के बाद फिर से जो है वो अल हिलाल गोल मार दी थी। तो स्कोर लाइन 3-1 था हाफ टाइम पे और मुझको लग रहा था कि गेम खत्म होगा 5-1 6-1 ऐसा कुछ, बट सरप्राइजिंगली सेकंड हाफ में इंटर मियामी पता नहीं क्या करके आई भाई, दे स्टार्टेड टू प्ले लाइक लिटरली वेरी गुड एंड अल हिलाल शायद इंटर मियामी को हल्के में ले ली थी। इंटर मियामी बहुत अच्छा खेलने लग गई, मेसी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंटली बेहतरीन तरीके से एंड इवन वॉन अ पेनाल्टी एज वेल, और वो पेनाल्टी जो है वो भाई वार तक चली गई। तो मैं बोला यार इनके पास तो वार था, तो जब इनके पास वार था तो इन्होंने जो है वो अल हिलाल को क्यों नहीं वार में देख करके जो है वो पेनाल्टी दी, आई हैव नो फकिंग क्लू भाई। तो वार का इस्तेमाल करके जो है वो डिसीजन दिया गया कि मेसी को पेनाल्टी मिलनी चाहिए, मेसी को जो है वो पेनाल्टी मिली। आई गेस मेसी डिडंट वांट दैट पेनाल्टी, सम अदर प्लेयर वांट, बट पेनाल्टी जो है वो मेसी लेते हैं और गोल मार देते हैं। सो स्कोर लाइन 3-2 हो जाता है। देन वी सॉ अ यंगस्टर नेम्ड रुइस स्कोर अ वेरी ब्यूटीफुल गोल भाई, गजब तरीके से वो बॉल लेता है, ड्रिबल करता है, जाता है और गजब तरीके से लिटा के सऊदी अरेबियन जो है वो भाई डिफेंडर को गोल मारता है। तो 3-3 स्कोर लाइन हो गया था। फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा लुइस सुआरेस को सब आउट कर दिया, मेसी को सब आउट कर दिया, और जैसे ही मेसी सब आउट होते हैं वैसे ही जो है वो मेलकम गोल मार करके 4-3 कर देते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये गेम खत्म होगा पता नहीं 5-1 5-0 ऐसे करके कुछ, इंटर मियामी ने जो है वो भाई कमबैक किया और गेम को 3-3 कर लिया था, बट एट दी एंड 4-3 जो है वो करके गेम खत्म हो जाता है। अब जो अगला मैच है अल नसर के खिलाफ जो 1 तारीख को है,
ऑब्वियसली उस गेम में ऑन पेपर भाई अल नसर इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टीम, वहाँ पे जो है वो माने है, रोनाल्डो है, और इंटर मियामी की डिफेंस पर्टिकुलरली उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली उम्मीद तो यही है कि अल नसर जो है वो बहुत लंबे खासे मार्जिन से वो जीतेगी इंटर मियामी के खिलाफ, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद जो है वो इस गेम में इंटर मियामी की परफॉर्मेंस ने थोड़ा सा जगा दिया है मैसी फैंस के अंदर। बट मैं ये बोलूँगा उम्मीद को आखिर एकदम कम रखो, यहाँ पे जो है वो इंटर मियामी मैच जीतने या कुछ करने नहीं आई है, दे आर जस्ट हियर टू अर्न मनी एंड हैव सम एक्सपीरियंस जो शायद MLS में काम लेकर के आए, तो दे आर हियर टू अर्न एक्सपीरियंस एंड मनी, नॉट ट्रॉफीज और मैचेस। तो ये एक चीज़ अपने दिमाग में रखना। बाकी ऑब्वियसली यार सऊदी अरेबियन टीम्स आर मच बेटर देन इंटर मियामी, ये चीज़ कल के मैच को देख करके भी समझ में आ गया, बट जो फाइट इंटर मियामी ने दिया उसके लिए ऑल दी मार्क्स हैं। लियो मेसी वॉज दी फार बेटर प्लेयर देन एनी अदर प्लेयर ऑन द पिच, वो चाहे मैं इंटर मियामी के ले लूँ या फिर अल हिलाल के ले लूँ। लियो मेसी फिनिश दिस गेम विद असिस्ट एंड अ गोल, तो फॉर मी लियो मेसी का परफॉर्मेंस वॉज जस्ट टॉप नॉच भाई, अलग ही नज़र आ रहा था भाई, अलग ही नज़र आ रहा था। दूसरी खबर मेरे आते हैं दोस्तों, और वो है आर्टेटा भाई साहब रिजेक्टिंग ऑल दी रूमर्स ऑफ आर्टेटा टू बार्सिलोना। तो आप लोगों को कल ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि आर्टेटा से रिलेटेड कुछ ऐसी खबरें निकल कर, आर्टेटा के बारे में शायद अपन ने बात नहीं किया था सॉरी, तो कल ऐसा हुआ रात को कि आर्टेटा से रिलेटेड एक ऐसी खबर निकल करके आने लग गई जिसमें लोग कहने लग गए कि आर्टेटा इज़ हैविंग टॉक्स विद दी आर्सनल का बोर्ड टू लीव आर्सनल, और उसने अपने स्टाफ मेंबर्स को भी ये बता दिया कि ही लीव आर्सनल सीजन के आखिरी में। नाउ एस दिस रिपोर्ट इमर्ज्ड भाई, एवरी मीडिया आउटलेट सेड कि भाई अब तो आर्टेटा टू बार्सिलोना होगा, आर्टेटा टू बार्सिलोना होगा। लेटर ऑन आज जो है वो भाई आर्टेटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उसने ये सभी क्लेम्स को भाई डायरेक्ट ये कहा कि इट्स फेक न्यूज़, आई एम वेरी एंग्री, आई विल नॉट लीव द क्लब दिस समर, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई रेड यस्टरडे, वी नीड टू बी मोर केयरफुल व्हेन वी टॉक अबाउट इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल, आई एम इन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल। सो भाई ये एंग्री जो है वो आपको आर्टेटा का रूप देखने को मिला, एंड ऑब्वियसली बात है यार, व्हाई वुड आर्टेटा लीव आर्सनल, लाइक ही स्पेंट सो मेनी ईयर्स एट आर्सनल बिल्डिंग दिस टीम जो अब फाइनली कंपीट कर रही है फॉर नंबर वन एंड नंबर टू वाली स्पॉट, हाउ कुड ही इवन थिंक टू लीव आर्सनल। एंड आप लोग देखें, जैसे ही मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, अभी आने वाले दिनों में आपको ऐसे आई एम बाय मैनेजर्स लिंक्ड होते नजर आएंगे, और वो मैनेजर्स बहुत सारे जो है वो मीडिया में स्पीक करके मना भी करेंगे, इससे होगा कुछ नहीं, इससे होगा बार्सिलोना की बेइज्जती केवल की। देखो अब एक्स मैनेजर जो है वो बार्सिलोना को रिजेक्ट कर रहा है, वाई मैनेजर बार्सिलोना को रिजेक्ट कर रहा है, दे आर नॉट ऐसे डायरेक्टली रिजेक्टिंग बार्सिलोना, बट दे आर काइंड ऑफ कि मैं अपना क्लब अपन छोड़ने नहीं वाले हैं, ऐसा वैसा ही है वो। सो इससे कुछ नहीं होगा, बस बार्सिलोना की बेइज्जती होने वाली है, डार्क टाइम्स फॉर बार्सिलोना फैंस। एनीवेज दोस्तों, अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं, और वो है रैशफोर्ड से रिलेटेड खबर। तो मैंने कल की वीडियो में आपको ये बता ही दिया था कि रैशफोर्ड जो है वो भाई पकड़ाया काइंड ऑफ ऐसे नाइट क्लब में, झूठ बोला कि मैं इल हूँ, और वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लोग क्लेम कर रहे थे कि वो ऐसा फ्राइडे की सुबह जो है वो इल वाला सबमिशन अप्लीकेशन क्यों डाला, तो ये इसलिए डाला क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली नशे में था थर्सडे को, तो वो ऑब्वियसली फ्राइडे को जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, नशे में था, तो ऑब्वियसली बात है, तो वो इसलिए जो है वो कर दिए। तो अपन जैसे नहीं स्कूल में, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है मम्मी, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर टूडे, ऐसा वाला अप्लीकेशन दे दिया था टेन हाक को, लेकिन भाई वो भाई पकड़ा गया कि तुम तो भाई पार्टी शार्टी कर रहे थे जा कर के इधर उधर। तो कुल मिलाकर के इससे हुआ ये कि आज शाम को ये जो है वो रैशफोर्ड अपने भाई के साथ जो है वो गया एरिक टेन हाग से मिलने के लिए इन हिज लैम्बोर्गिनी, तो लैम्बोर्गिनी में वो अपने भाई के साथ गया मिलने के लिए, एंड देयर ओवर ये डिसाइड हुआ कि रैशफोर्ड के ऊपर जो है वो फाइन लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, 2 हफ्ते के उसके वेजेस जो है वो रोक लिए जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। नाउ 2 हफ्ते के वेजेस कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता है उसका, उसके 2 हफ्ते के वेजेस होंगे अराउंड 6500 pounds, लाइक क्लोज टू 1 million, 1 million के लगभग 350 तुम कह सकते हो कम, 2 हफ्ते में वो इतना पैसा कमाता है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो भाई दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, और इसके अ लॉट ऑफ मनी से जो है वो 2 हफ्ते की पेमेंट जो है वो रोक ली गई जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। मोर ओवर एक और ऐसा क्लेम आया है आज फ्रॉम अ गुड जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। ही क्लेम्ड दैट एरिक टेन हाग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा
डिसरिस्पेक्टफुल है रैशवर्ड, एंड रैशवर्ड अपने टीम मेट्स के लिए भी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है, और उसके मन में जो आता है वो करता है, एंड ही थिंक्स दैट ही इज अनटचेबल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एसेट्रा एसेट्रा। वो क्लेम आने के बाद देर आर मैनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो कह रहे हैं कि रैशवर्ड को आउट कर दीजिए, वी डू नॉट वॉन्ट एनी वन लाइक दिस इन द क्लब, जो डिसिप्लिन जो है वो, क्योंकि देखो रोनाल्डो वाले मामले में रोनाल्डो आउट वाला कोई ऐसा कहानी नहीं कह रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज रोनाल्डो, और आप अगर रोनाल्डो के डिसिप्लिन को क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आपके में ही जो है वो कोई खोट है। सैंजो के मामले में भी बिकॉज यू नो जो मेन इशू था वो था ईगो प्रॉब्लम्स बिटवीन सैंचो एंड एरिक टेन हाग, तो वहाँ पे भी पीपल वर नॉट सेइंग कि सैंचो को आउट कर दो, बिकॉज रीज़न मेन होता है ना, लेकिन यहाँ पे रीज़न टेन हाग नहीं है, यहाँ पे रीज़न रैशवर्ड का जो है वो एटीट्यूड है, और वो गलत है। अगर वो टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है, वो अगर ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं दारू पीने के लिए, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर क्वाइट एंग्री ऑन रैशवर्ड एंड दे आर आस्किंग कि भाई इसके साथ आप वो करो जो आपने सैंचो रोनाल्डो के साथ किया, ये सही बंदा है, तो इसको आप केवल फाइन दे रहे हो, इसको आप निकाल नहीं रहे हो। तो मैनी यूनाइटेड फैंस आर आल्सो वेरी एंग्री ऑन दिस, दे आर सेइंग कि ये 26 साल का हो चुका है, ये जितने साल से क्लब में रहा है अब इसको जो है वो एक कैप्टन टाइप का ऑरा दिखाना चाहिए, तो ये अभी भी पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब उसको ऐसे पार्टी करते हुए देखा गया। तो यूनाइटेड फैंस आर एंग्री अपॉन दिस, आप अगर एक यूनाइटेड फैन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है बायर्न से रिलेटेड खबर। सो वंस अगेन ओ माय गॉड, वंस आई एम रियली सैड टू यू नो टेल यू गाइज ये सब रिपोर्ट्स एंड खबर्स, भाई एज अ बार्सा फैन मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन सुनो तुम लोग अब। सो कल वंस अगेन द र्यूमर्स ऑफ थॉमस टुकल अराइव्ड कि थॉमस टुकल विल लीव बायर्न एंड माइट बी ज्वाइनिंग एफसी बार्सोना, बिकॉज देयर वॉज दिस वन इंटरव्यू इन विच ही सेड कि स्पेन के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बेहतरीन है, श्योरली मैं वहाँ जा करके एक बार कोच करना चाहूँगा, ऐसे कुछ सिमिलर वे में जो है वो उसने कहा था। अब भाई उसके बाद वंस अगेन लाइक ही सेड दिस कि वो भी स्पेन में जा करके कोच करना पसंद करेगा, तो पीपल स्टार्टेड वंस अगेन भाई सेइंग कि ये जो है वो बार्सिलोना आएगा, ये जो है बार्सिलोना आएगा, देखो इसने इंटरव्यू में स्पेन में जाने की बात कर दी है, सब ऐसा ये वो। बायर्न लेजिट भाई इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, आपको मैं वो पढ़ाता हूँ। ये लोग ये कहते हैं टुकल ने कभी भी जो है वो शावी का सक्सेसर बनने के लिए जो है वो क्लेम नहीं किया, ठीक है, और ये जो है वो फॉल्सली क्लेम हुआ है। ये उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी इस चीज़ के बारे में दिया, ये कहा कि हमारा जो हेड कोच है थॉमस टुकल वो सपोर्टर्स के द्वारा जो संडे को आए थे एज अ पार्ट ऑफ फैन का मीटअप क्लब में, तो उन्होंने जो है वो उसके कोचिंग करियर के बारे में पूछने लगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था पीएसजी में और चेल्सी में, और उन्होंने जो है वो उसी हिसाब से अपने जो है वो आंसर्स वगैरह दिए। अब वहाँ पर जो है कुछ जनरल क्वेश्चंस आए कुछ फैंस से जो स्पेन से बिलोंग करते थे अबाउट द फुटबॉल का मतलब सिचुएशन इन स्पेन। सो उसने कभी भी शावी हर्नांडेस के बारे में बात नहीं करी कि मैं उसका सक्सेसर बन के आऊँगा या फिर मैं बार्सिलोना ज्वाइन करूँगा जैसा क्लेम किया गया है। ही ओनली टॉक्ड अबाउट कि हाँ स्पेन में फुटबॉल अच्छा है, मैं वहाँ पर जाकर के कभी ना कभी कोच करना चाहूँगा, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स में आ रहा था कि ही ऑल्सो यू नो वॉन्टेड टू कम टू बार्सिलोना एंड दैट इज द रीज़न वाई ही इज़ यू नो क्लेमिंग कि मैं स्पेन, वो गलत है। तो वही उन लोग आगे ये भी करते हैं कि हम जो है वो नो लॉन्गर एक्सेप्ट करेंगे ऐसे नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो डायरेक्ट किए जा रहे हैं हमारे कोच के ऊपर, और जो हमेशा एक ही जो है वो सोर्स से आता है। सो भाई देख रहे हो तुम लोग, बायर्न जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट लगा दी कि ये सब फॉल्स क्लेम हो रहा है, ये सब फेक क्लेम हो रहा है। अब आज मैं आपको बता दूं तो डी ज़र्बी को काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है। अब देखो डी ज़र्बी ब्राइटन मैनेजर, यार अब ऑब्वियसली बात है लाइक ही इज़ अ गुड मैनेजर, बट एज अ बार्सिलोना फैन आई वॉन्ट अ प्रॉपर पेडिगिरी वाला मैनेजर एट बार्सिलोना। हांसी फ्लिक, जर्गन क्लॉप, आज मेजरली ये डी ज़र्बी के नाम चल रही थी। अब देखो अगर इनके बारे में कुछ अपडेट आएगा तो मैं कल आपको दे दूंगा, बट आज आर्टेटा और थॉमस टुकल ने जो है वो मना कर दिया। तो ये थी वीडियो आज की दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शेष के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ, फुटबॉल की खबर रे के जी के साथ।